घर पर हराशमेंट करते पीकर आके हराशमेंट करते अगर रिकवरी एजेंट्स आके ये कहते हैं कि अगर आप इंस्टॉलमेंट भरिए अगर आप इंस्टॉलमेंट नहीं भरेंगे तो हमारे साथ चलिए ये उनको ब्लैकमेल किया जाता है हमारी ये मांग है कि इसके ऊपर भी ये जो सेक्स रैकेट चल रहा है माइक्रो फाइनेंस के जरिए इसको पर्दाफाश करें देखिए आज गुलबरगा में ऑल ऑर्गेनाइजेशन की जानब से एक प्रोटेस्ट रखा गया था महिलाओं के जो अत्याचार हो रहा है संघ के जरिए माइक्रो फाइनेंस के जरिए जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट था एक बात ये कहना चाहता हूँ कि माइक्रो फाइनेंस के जरिए जो महिलाओं को लोन दिया जाता है किस बेसिस पे लोन देते हैं क्योंकि एक मर्द आदमी अगर लोन पूछने जाता है बैंक को तो उसको इनकम प्रूफ देना है उसको स्टेटमेंट देना है उसको कोलेक्ट्रल देना है उसको बैंक प्रूफ देना है सारे चीज देने के बाद भी लोन नहीं दिया जाता है महिलाओं को बिना बिना इनकम प्रूफ के लोन दिया जा रहा है ये लोन देके उनके ऊपर हरासमेंट की जा रही है अगर लोन नहीं भरे तो उनको सेक्सुअल हरासमेंट किया जा रहा है प्रोसिक्यूशन के जरिए उनको फंसाया जा रहा है उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है हमारी ये डिमांड है ये जो माइक्रो फाइनेंस के जरिए जो लोन दिया जा रहा है उनको बंद करे और दूसरी बात है ना जो माइक्रो फाइनेंस के जरिए जो ऑफिसर्स आते हैं रिकवरी एजेंट्स आते हैं वो क्या बेस पे आते हैं आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से रिकवरी एजेंट नहीं आना चाहिए उनको कानूनी कार्रवाई Uh, कर, करनी चाहिए रिकवरी एजेंट्स आके घर पे आके चार चार घंटे पाँच पाँच घंटे आके घर पे हरासमेंट करते पीकर आके हरासमेंट करते अगर रिकवरी एजेंट्स आके ये कहते हैं कि अगर आप इंस्टॉलमेंट भरिए अगर आप इंस्टॉलमेंट नहीं भरेंगे तो हमारे साथ चलिए ये उनको ब्लैकमेल uh, किया जाता है हमारी ये मांग है कि इसके ऊपर भी ये जो सेक्स रैकेट चल रहा है माइक्रो फाइनेंस के ज़रिए इसको पर्दाफाश करें